हेलो दोस्तों, आज हम ड्राइंग टूल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने फाइल खोला। फाइल खोलने का सिस्टम मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट फिनिश। आज ड्राइंग टूल्स में हम पेंसिल टूल से लेकर फिल्ड क्लोज कर्व तक करेंगे। पहले हम पेंसिल टूल लेते हैं। हैंकिंग में जो ये नीचे निट्स आ रहे हैं, यही कलर्स भी हैं और ये निट्स का भी काम करेंगे। तो आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हो। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको बताता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल से हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप जब राइट क्लिक करोगे तो इसमें प्रॉपर्टी कोई नहीं आती है। तो मतलब पेंसिल टूल विदाउट एनी प्रॉपर्टी है। आप इससे फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो। इसके लिए अगर आपका ड्राइंग अच्छा है और स्केचिंग जानते हो, या आपके पास माउस की जगह और पेन है, तो आप बहुत अच्छी ड्राइंग से बना सकते हो डायरेक्ट। इस तरीके से डायरेक्ट बना रहे हैं फ्री हैंड ड्राइंग। ये रहा पेंसिल टूल से आप इस तरीके से डायरेक्ट फ्री हैंड ड्राइंग्स बना सकते हो। एक सिंगल क्लिक कर करके भी आप डिजाइन्स बना सकते हो इस पे, और आप ड्रैग भी कर सकते हो इसको पकड़ के। अब आ जाओ आप सेकेंड टूल पॉली लाइन। पॉली लाइन के साथ भी हमारा कोई प्रॉपर्टीज नहीं आते हैं। पॉली लाइन जैसा नाम बता रहा है, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा और लाइन का मतलब लाइंस। तो लाइंस बनाने के लिए आप इसको क्लिक करोगे, जहां वहाँ एक लाइन बन जाएगा। फिर अगली बार जहाँ क्लिक करोगे वहाँ दूसरी लाइन बनेगी। फिर तीसरी बार जहाँ क्लिक करोगे वहाँ तीसरी लाइन, और जहाँ डबल क्लिक कर दोगे वहाँ वो छूट जाएगा। उसके बाद तो ऐसे आप इस तरीके से स्टेप ड्राइंग कर सकते हो, जाके लास्ट में डबल क्लिक करने से वो छूट जाएगा। उसके बाद ये है स्ट्रेट लाइन। इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी L, क्योंकि इसकी यूज बहुत ज्यादा होगी आपको आगे चल के। ये स्ट्रेट लाइन बना सकता है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनाया, और अगर इसको मैं इधर खींचता हूँ तो ये बनाया। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं बनाया। उसके बाद ये बनाया, उसके बाद फिर दो दो सीधा चढ़ के वो ये बनाया, उसके बाद ये सीधा चढ़ जाएगा ऐसे। ये लॉक है। अभी इस पे आप जब राइट क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टी खुलेगी। ये नॉट लॉक अगर हम इसे कर देंगे तो हम इससे किसी भी डायरेक्शन में लाइंस बना सकते हैं। अगर हम लॉक कर देंगे
तो लॉक करने पे हम केवल इन्हीं डायरेक्शंस पे ये डिजाइन्स बना सकते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी एक सॉलिड, सॉलिड का मतलब है आपको ये जो लाइन्स आ रही है ये पूरी भरी हुई लाइन्स आ रही है। अगर हम वन बाय वन कर देंगे इसका मतलब होगा एक में कलर आएगा दूसरा खाली होगा। उसी तरीके से वन बाई टू, थ्री बाई, और कस्टम मतलब आप अपना बना सकते हो, जैसे थ्री बाई वन, फोर बाई वन या थ्री बाई थ्री, जो भी आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद ये है एक स्टेप लाइन, स्टेप मतलब सीढ़ी के जैसी लाइन बनाएगा। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके स्टेप लाइन ऐसे बनेगी, ये देखो आप ये सीढ़ी के जैसे चढ़ रही है, क्लियर है। उसके बाद आप, और इसको मैं सॉलिड पे कर देता हूँ वापस, और ये ब्रश, ब्रश अभी हम जब ये लाइन बना रहे हैं तो एक सिंगल ब्लॉक से लाइन बन रही है, अगर ब्रश में हम ये दो कर देंगे तो डबल ब्लॉक से लाइंस बनेंगे, ये देखो दो ब्लॉक्स, इधर भी दो ब्लॉक्स, तो ये स्टेप लाइन और ब्रश, इनके बारे में आप समझ गए। अब हम इसको वापस वन में कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये टूल्स ऑफ आप कर्व, इसकी शॉर्टकट की है सी, कर्व लाइन, इससे हम कर्व लाइन बना सकते हैं। हम जहां पे क्लिक करेंगे वो वहां पे रुक जाएगा, फिर अगला लाइन हमारे को ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, जहां क्लिक करेंगे वहां रुक जाएगा। अब ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये टू पॉइंट और एक है मल्टी पॉइंट, अभी हम टू पॉइंट पे काम कर रहे थे, अब अगर हम मल्टी पॉइंट में आएंगे तो हमें ये सीधा करने का ऑप्शन नहीं देगा, मतलब एक बार हमने क्लिक किया दूसरी जगह हमने क्लिक किया उसके बाद अपने आप वो चेंज होगा, तीसरी जगह क्लिक किया फिर चौथी जगह ये अपने आप चेंज हो रहा है। ये बहुत अच्छी टूल है ट्रेसिंग करने के लिए या डिज़ाइंस बनाने के लिए, अगर हम इससे कोई डिज़ाइंस बनाना चाहें बहुत अच्छे डिज़ाइंस इससे बन सकते हैं। जब खत्म करना हो तो आप उसे डबल क्लिक कर दो, क्लियर है। इसके बाद आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये नॉट फिल्ड रेक्टेंगल है, मतलब इसके अंदर खाली होगा केवल आउटलाइन आएगी इस पे। रेक्टेंगल के राइट क्लिक करोगे तो इसमें प्रॉपर्टीज काफी है, ये जो पहली वाली प्रॉपर्टीज है ये आपको रेक्टेंगल बना कर देगी, ये आउटपुट का ऑप्शन है। अगर आप आउटपुट डालोगे, जैसे अगर मान लो हमने बना दिया यहाँ पर 100 और ये रेशियो, रेशियो मतलब ये इससे डिवाइड हो जाएगा, अगर 100 से 4 को डिवाइड किए तो 25 हो गया, तो मतलब इसका विड्थ, ये जो हाइट है वो हाइट 25 की रह जाएगी और विड्थ 100 की रहेगी। ये देखो हमने आउटपुट निकाला, ये हमारा बन के आ गया, अगर हम इसको नापते हैं तो ये कितना आता है, नापने के लिए आपको सेलेक्ट टूल यूज करनी होगी, उससे हम इसको सेलेक्ट किए और ये देखो आप 100/25 का बन गया। तो आप एग्जैक्टली अगर बनाना चाहते हो रेक्टेंगल तो आप इस टूल्स का यूज कर सकते हो। उसके बाद इसमें है कि कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, हमने कोसेंट्रिक को क्लिक किया ओके। अब क्या है कि हमने कोई सेंटर चूज कर लेते हैं, मान लिया ये हमारा सेंटर है, अब अगर हम इस टूल को लेके सेंटर पे क्लिक करके बनाएंगे तो ये चारों तरफ फैलेगा इक्वल। अगर हम कोसेंट्रिक सेलेक्ट किए हुए हैं
अगर हम कोसेंट्रिक को हटा देंगे और ओके करेंगे तो फिर जहां से हम बनाना शुरू करेंगे एक ही डायरेक्शन को डिजाइन बनेगा, रेक्टेंगल एक ही डायरेक्शन को बनेगा। कोसेंट्रिक में चारों तरफ फैल रहा था, सेंटर से दूर जा रही थी। ये कुछ खास नहीं है, पर ये जैसे अगर हमने यहाँ पर 100/4 का लिया और आउटपुट किया तो रेक्टेंगल सेंटर, मतलब जो रेक्टेंगल बन रहा था वो सेंटर पे हमारा माउस होगा। अगर हम इसको अपर लेफ्ट कॉर्नर कर देंगे तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमारा ये मास होगा। ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, आउटपुट अपर लेफ्ट कॉर्नर में हमारा कर्सर है, ठीक है। अगर इसको सेंटर में कर लेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट में कर लेफ्ट बॉटम ऑफ रेक्टेंगल, लेफ्ट बॉटम मतलब यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट बॉटम मतलब यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। और अगर सेंटर कर देंगे तो वो सेंटर पे आएगा। इसके बाद ये टूल्स, ये जैसा हमने लाइंस में देखा सॉलिड, सॉलिड का मतलब सॉलिड है, ये सारे रेक्टेंगल इस पे नहीं काम करेगा, ये फिल्ड वाले रेक्टेंगल में काम करेगा। इसके साथ दिया हुआ है टूल्स ये से, तो जब हम फिल्ड वाला भी देखते हैं फिर उसको करते हैं। ओके, अभी फिल्ड वाले में आते हैं। फिल्ड वाले में आप कोई भी कलर लेके आप बना सकते हो रेक्टेंगल। अगर हमने इसको, ये सारा चीज सेम काम करेगा जैसा प्रीवियस वाले के साथ हमने किया था, उस साइज का बना सकते हैं, लेफ्ट बॉटम कोसेंट्रिक कर सकते हैं। हम इसे देखते हैं, अगर इसे 1/1 कर देते हैं तो एक में ड्रॉ होगा एक खाली रहेगा। ये देखो एक लाइन ड्रॉ हो रहा है एक लाइन खाली रह रही है, ठीक है। इसी तरीके से 1/1, 1/2, 1/3 और यहाँ तक आएंगे। अगर हम मैश सेलेक्ट करते हैं, अब नीचे वाले इन सबको अनसेलेक्ट कर दो पहले। अभी हमने मैश सेलेक्ट किया नॉर्मल मैश, तो नॉर्मल मैश में ये बनेगा हमारा 1/1। लेकिन अगर हम इसी चीज को हॉरिजेंटल सिमेट्रिकल कर देते हैं तो हॉरिजेंटल की तरफ डबल हो जाएगी, हॉरिजेंटली डबल हो गया हमारा। अगर हम वर्टिकली भी ऑन कर देंगे तो ये वर्टिकली भी डबल हो जाएगा, मतलब चार का बॉक्स बन जाएगी हमारी। ये देखो चार का बॉक्स बन गया, क्लियर है। अब एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है, अभी क्या है कि ब्लैक के ऊपर हम डिजाइन बना रहे हैं, अब आ जाओ आप नीचे यहाँ रेड के ऊपर। अगर हम रेड के ऊपर बनाएंगे तो नीचे से हमें लाल दिखेगा, ये देखो लाल के साथ हमारा ये ब्लू बन रहा है। अभी हम कलर्स की बात कर रहे हैं, नेट्स हम बाद में पढ़ेंगे, लाल के साथ ब्लू का बन रहा है डिजाइन। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंसी हटा दें इससे, ट्रांसपेरेंसी हटा दें तो वो रेड कलर की जगह ब्लैक कलर आएगा हमारा, ब्लैक कलर एज ए डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हो गया, अगर हम ट्रांसपेरेंसी करते हैं तो जो बैकग्राउंड में कलर होगा वो कलर आ जाएगा। जैसे मैं इन दोनों के बीच में करता हूँ तो इस तरफ रेड कलर आएगा, इधर ब्लैक कलर आएगा। ये देखो इधर रेड कलर के साथ बन रहा है, इधर ब्लैक कलर के साथ बन रहा है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हुआ। अब हम आ जाते हैं ये राउंडेड रेक्टेंगल, इसका शॉर्टकट की जेड। ये केवल आउटलाइन के लिए, आपको इसका साइड राउंडेड रहेगी। राइट क्लिक करने पे आपको सेम वही सारी सेटिंग मिल रही है जो हमने पहले देखा हुआ है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कैंसिल, इस पे आ जाओ आप, इस पे भी साइड राउंडेड रहेगा और सेटिंग सारी वही है। अभी हम इसको सॉलिड में कर लेते हैं, ओके सेटिंग सारी वही है। अभी सर्किल पे आ जाओ, ये आउटलाइन
ये फील्ड सर्किल, और जो इनकी सेटिंग है वो भी सारी सेम है। ये डायमंड और रॉम्बस, इसका शॉर्टकट की जे है। इस रॉम्बस की फील्ड रॉम्बस सेटिंग इसकी भी सेम है। ये पोली लाइंस, ये हमने पहले देखा था, एक पोली लाइंस, ये है पोली लाइंस, ये लास्ट में ज्वाइंट हो जाएगी, ये ज्वाइंट नहीं हो रही थी। इन दोनों में डिफरेंस यही है। ये देखो, आप क्लिक किया, हमने क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो ये ज्वाइंट हो गई आपस में पोली लाइंस। अब ये फिल्ड हो जाएगी, ये देखो फिल्ड है। ये क्लोज कर्व, ये कर्व है और ये क्लोज बनेगा, मतलब लास्ट पॉइंट इसके साथ ज्वाइंट बनेगी आपके। ये फील्ड, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमने आज देखा पेंसिल से लेके फील्ड क्लोज कर्व तक, इनको लेके आप कोई भी ड्राइंग्स बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।